पाठशाला विद सोनिया मैम। आई एम सोनिया मैम। आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। देखिए ध्यान से, आपके पास इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक फ्लोर गिवन है जिसके अंदर आपके पास कितनी टाइलें हैं? 8 टाइलें हैं। ऐसे 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन ये जो टाइलें हैं वो कैसी हैं? ट्रेंगुलर शेप में है। अगर इस एक टाइल के अंदर हम देखें तो दो ट्रेंगल बनी हुई हैं। इन दोनों ट्रेंगल का एरिया सेम है। इसी तरह से जिस तरह से इस पूरी टाइल का एरिया जितना होगा, उसी तरह से इन सभी टाइल्स का एरिया भी उतना ही होगा। हम क्या करेंगे, एक टाइल का एरिया निकाल लेंगे। एक टाइल मतलब एक ट्रेंगुलर टाइल का एरिया निकाल लेंगे। ट्रेंगुलर टाइल के एरिया को हम 16 से इंटू कर देंगे। क्यों? क्योंकि टोटल 8 टाइल्स हैं और एक टाइल के अंदर 2 ट्रेंगल हैं, तो टोटल कितनी ट्रेंगुलर टाइल्स हैं? 16। तो एक ट्रेंगल का एरिया निकालेंगे, उसको 16 से इंटू कर देंगे, तो हमारे पास कंप्लीट का एरिया आ जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रेंगुलर पार्ट ए इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, बी इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। ये सभी हमने क्या लिखे हैं, साइड्स ऑफ ट्रेंगल लिखी हैं। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रेंगल का एरिया निकालेंगे बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले एस निकालेंगे। एस आपके पास क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मीन्स एस सम ऑफ साइड्स ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। सम ऑफ साइड्स आपको पता है क्या है, 9 + 28 + 35 डिवाइड बाय 2। इन सभी को प्लस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 72/2। 2 से डिवाइड होता है 72, इसको डिवाइड कर दीजिए, 36 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गया, एस की वैल्यू आ गई है आपके पास 36 सेंटीमीटर। फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगुलर पार्ट। एरिया ऑफ ट्रेंगुलर पार्ट निकालने के लिए हमें हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हीरोन्स फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एरिया ऑफ वन ट्रेंगुलर पार्ट, इसमें से किसी एक ट्रेंगुलर पार्ट का एरिया निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास अंडर द रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कीजिए एस ए बी सी की। एस एस की वैल्यू आपके पास है 36, 36 माइनस 9, 36 माइनस 28 एंड 36 माइनस 35। माइनस कीजिए इसको, माइनस करें इसको। माइनस करने के बाद आपके पास फैक्टराइज कीजिए इसको। 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 6। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। 8 को क्या लिख सकते हैं, 4, 2 × 2 × 2। अब इसमें पेयर बनाइए, जिस जिसका पेयर बन जाएगा वो रूट से बाहर और जिसका नहीं बनेगा वो रूट के अंदर। पेयर बन रहा है आपका किस किस का, 6 × 3 × 2। और पेयर किसका नहीं बन रहा है, एक इस 3 का और एक 2 का, तो 3 × 2 आपके पास 36√6 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास जो एरिया आया है वो एक ट्रेंगल का एरिया है। बाकी हमारे पास कितनी ट्रेंगल है, लिखेंगे एरिया ऑफ 16 ट्रेंगुलर पार्ट,
उसके लिए आपको एक ट्रायंगुलर पार्ट के एरिया को 16 से इंटू करना पड़ेगा। तो 16 इंटू 36 रूट 6, 16 इंटू 36 इंटू 2.45। जो हम रूट 6 की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास रूट 6 की वैल्यू आ जाएगी 2.45। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर 16 टाइल्स का एरिया आ जाएगा। एरिया आने के बाद फिर हमें क्या करना है, इसमें पॉलिश कराने का कॉस्ट फाइंड करना है। पॉलिश कराने का कॉस्ट किसने क्या दिया हुआ है, रेट इज 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 50 पैसे। अगर हमें इसे रुपीज में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 50 अपॉन 100, 0 से 0 कट जाएगी, 5 1 जा 5 2 जा, यानी कि 1/2 रुपीज। ठीक है, ये रुपीज में चेंज हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, किसका कॉस्ट निकालेंगे, जो हमने एरिया निकाला है, कॉस्ट फॉर 1/2 into, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 14 0 10 0, और यही आपके पास क्या है, इसका आंसर रुपीस, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर, द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। ट्रेपेजियम की शेप आपको पता है, ट्रेपेजियम की शेप होती है इस तरह से। इसमें ट्रेपेजियम में आपके पास 2 पैरेलल साइड होती है और 2 नॉन पैरेलल। ये दोनों पैरेलल साइड है, जो बड़ी है वो 25 मीटर और जो छोटी है वो 10 मीटर। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड इसकी ये दोनों है, एक 14 मीटर है और दूसरी 13 मीटर। ओके, अब ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के पास हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट। हाइट यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अब हमारे पास ए और बी की वैल्यू तो है लेकिन इन दोनों के बीच की हाइट नहीं है। वो हाइट हमारे पास नहीं है इसलिए हम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर करेंगे। इस पैरेलल साइड, इस साइड के पैरेलल हम यहाँ पे एक अनदर पैरेलल साइड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जब 2 पैरेलल साइड के बीच में ये वाली साइड इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक पैरेलोग्राम। ठीक है, अगर ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल हैं तो जितनी डिस्टेंस आपके पास इस साइड की है उतनी ही डिस्टेंस आपके पास इस साइड की भी होगी। ठीक है, और ये दोनों भी पैरेलल थी तो अब जैसे ही हमने ये वाली साइड ड्रॉ की, ये साइड इसके पैरेलल है तो ये डिस्टेंस उतनी ही होगी जितनी की ऊपर है। पैरेलोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है क्योंकि, ठीक है, अब 25 तो हमारे पास क्या थी, टोटल साइड थी। 25 में से हमने 10 इधर अलग कर लिया है तो इधर कितना बचेगा, 15। ये आपके पास फर्स्ट और ये आपके पास सेकंड। यहां से हम क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल की हमारे पास तीनों साइड है। ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद हम ट्रायंगल की हाइट निकालेंगे। क्यों, क्योंकि जितनी हाइट ट्रायंगल की है उतनी ही हाइट पैरेलोग्राम की है, फिर हम पैरेलोग्राम का एरिया निकालेंगे। ओके, सॉल्यूशन देखो इसका, इन ट्रायंगल ए इक्वल्स टू 14 मीटर, बी इक्वल्स टू 15 मीटर एंड सी इक्वल्स टू 13 मीटर। यहां से हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर।
इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ए बी सी की वैल्यू पुट करो, 14 प्लस 15 प्लस 13 अपॉन टू, प्लस कीजिए 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 2 अपॉन टू। यहां से आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी 21 मीटर। एस मिलने के बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। इक्वल्स टू अंडर द रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ओके वैल्यू पुट कीजिए इसमें, एस की वैल्यू आपके पास है कितनी 21, 21 माइनस 14 वापिस 21 माइनस 15, 21 माइनस 13 माइनस कीजिए इसको 21 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 8। ओके फैक्टराइज करेंगे इसको, फैक्टराइज हम इस तरह से देख के करेंगे कि पहले हमारे पास जो फैक्टर हैं उन्हीं की फॉर्म में फैक्टर बन जाए तो ज़्यादा बेटर। ठीक है तो यहाँ से हमारे पास 21 के फैक्टर बनेंगे 7 इंटू 3, 7 के फैक्टर बनेंगे नहीं, 6 के बनेंगे 2 इंटू 3, 4 के बनेंगे 2 इंटू 8 के 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके फैक्टर आपके पास बनेंगे 8 के 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके 7 का पेयर बना आपके पास, 3 का भी बना, 2 का भी और इस 2 का भी, सभी का पेयर बन गया तो सारे आपके पास रूट से बाहर आ जाएंगे 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, इन सभी को रूट से बाहर निकाल देंगे आप, सबका पेयर बन गया सबको रूट से बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, आपके पास आ जाएगा 84 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल आने के बाद हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला और है जिसके अंदर बेस इनटू हाइट आता है, हम वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 84 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 84। ओके ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अब हमारे पास एरिया तो आ गया है, बेस भी हमारे पास है लेकिन हमारे पास हाइट नहीं है, क्यों? क्योंकि उस हाइट की जरूरत हमें है यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1/2, ट्रायंगल का बेस आपके पास क्या था 15 और हाइट है नहीं, इक्वल्स टू 84। 2 को इधर लेके जाएंगे 2 इंटू में चला जाएगा, 15 को इधर लेके जाएंगे 15 डिवाइड में चला जाएगा, तो 84 इंटू 2 अपॉन 15। ठीक है 3 की टेबल से कट करो, 3 5 जा और 3 2 जा 6, 3 8 जा। ओके इसको इंटू करो अपॉन 5, डिवाइड करेंगे इसको एच की वैल्यू आ जाएगी 5 वन जा 5 वापिस 5 वन जा 5.5 टू जा 10, ये आपके पास क्या आ गई हाइट ऑफ ट्रायंगल। और हाइट ऑफ ट्रायंगल और हाइट ऑफ पैरेललोग्राम सेम है, क्यों? क्योंकि ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है और पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस इक्वल होती है, तो क्या लिखेंगे हाइट ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है यहां से हाइट ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगी 11.2 मीटर।
हाइड्रोपैलोग्राम आ गई आपके पास। अब हम एरिया ऑफ पैलोग्राम भी फाइंड कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ पैलोग्राम इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। बेस आपके पास क्या है? 10 इनटू हाइट आपके पास क्या है? 11.2 हटाएंगे अपॉन में 10 से 10 कट जाएगा, तो आपके पास कितनी आ जाएगी? 112। अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी निकाल सकते हैं। कैसे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस में एरिया ऑफ पैलोग्राम। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम पहले से निकाल चुके हैं, कितना था? 84। तो यहां पे रखेंगे 84 प्लस एरिया ऑफ पैलोग्राम भी हम निकाल चुके हैं 112। दोनों को ऐड कर देंगे 691 मीटर स्क्वायर। यही आपके पास इसका आंसर। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe.